मैं बिलोंग करता हूँ बेसिकली गंज बसोदा जो है एमपी में भोपाल से 100 किलोमीटर दूर है और वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ. और कभी सोचा नहीं था मैंने कि मॉडलिंग या एक्टिंग, हम टीवी देखते थे तो ऐसा लगता था कि मतलब एक भगवान होते हैं ऊपर और दूसरा ये टीवी में लोग काम करते हैं, ये भी भगवान जैसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते, बस टीवी में दिखाई देते. लेकिन फिर धीरे धीरे एक कॉन्टेस्ट का एक फॉर्म आया. मेरे फोटोग्राफर ने, मैं फ़ोटो खिंचाने का बड़ा शौक था मुझे, तो वो बोला आपकी हाइट अच्छी है, आप फॉर्म भर के भेज दो. तो मैंने सोचा नहीं था कि हो जाएगा, लेकिन मैंने कहा भाई आपको लगता तो आप ही भेज दो. तो उसने मेरा फ़ोटो लगा के और फॉर्म भर के भेज दिया. सिलेक्शन हो गया, वहाँ से कॉल आया, फिर मैं गया, ट्रेनिंग हुई दिल्ली में, तो शो हुआ. हालांकि उस शो में मुझे ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ मिला नहीं, लेकिन मैं बहुत कुछ सीखा. पोर्टफोलियो क्या होता है, मॉडलिंग क्या होती है, कैसे रैम वॉक करते हैं, कैसे एक्सप्रेशन देते हैं, कैसे चलते हैं, ये सब मैंने सीखा. फिर धीरे धीरे मैं भोपाल में मॉडलिंग की, मैंने इंदौर में की, फिर कई बार ऐसा लगा कि काम नहीं मिला तो लगा कि यार ये सब छोड़ देते हैं, कुछ काम धंधा करते हैं. लेकिन फिर कहीं कुछ काम मिल जाता था तो फिर लगता था कि नहीं यार यही करते हैं, फिर नहीं मिलता था तो फिर लगता था कि छोड़ देते हैं. तो ऐसे कई बार लाइफ में ऐसा चलता रहा कि छोड़ें पकड़ें. फिर धीरे धीरे काफ़ी रैम शोज़ मिलने लगे, ऐड मिलने लगा, फिर होर्डिंग्स प्रिंट ऐड मिला, होर्डिंग्स लगे, टीवी में ऐड आया, लोकल चैनल पे ऐड आने लगे, तो काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ा. फिर मुझे लगा कि शायद मैं इसीलिए बना हूँ, तो मैं करता रहा. फिर मुझे भोपाल के नवरत्न में मेरा नाम आया, 9 लोगों में गिनती होने लगी, तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि अब मुझे यही सब करना चाहिए और यही शायद डेस्टिनी में है, ऊपर वाले ने इसीलिए बनाया मुझे इतना लंबा. और तो फिर मैंने अपने आप को निखारा, थोड़ा बहुत पतला था मैं, एकदम दुबला पतला. फिर मैंने बॉडी बनाई और काफ़ी चीज़ें अपने आप को सिखाया और ग्रूम किया, कुछ सीखा लोगों को देख के, टीवी को देख के और न्यूज़पेपर पढ़ के, और सारी चीज़ें धीरे धीरे सीखता रहा. फिर बॉम्बे आया, बॉम्बे पहली बार आया तो मुझे लगा कि यार यहाँ तो बहुत, मतलब कहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत बड़ा शहर है. लेकिन मैंने सोचा कि हर आदमी कभी ना कभी तो आया है बॉम्बे या किसी काम की शुरुआत की, मैंने कहा चलते हैं क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब परेशानी आएगी या निराशा मिलेगी या काम नहीं मिलेगा. लेकिन मुझे लगता है कि काम नहीं मिलना या निराशा या लॉस, इससे बड़ी सीखने की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि ये जब आती हैं तो आदमी को अच्छे से सिखा के जाती हैं. प्रैक्टिकली अगर मुझे लगता है कि आपको बैठ के नहीं आप सीख सकते, अगर आप कुछ काम करोगे उसमें आपको नुकसान भी होगा तो आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे कि क्यों नुकसान होता है और फ़ायदा कैसे होगा. तो मैं करता गया, नुकसान भी होता गया, फ़ायदा भी होता गया, धीरे धीरे चीज़ें मिलती रहीं. फिर मुझे एक एल्बम मिला, एक गाना मिला, टी सीरीज से लॉन्च हुआ था वो दीवानगियाँ. फिर दूसरा गाना मिला मुझे दिलजानी आने वाला है, फिर तीसरा मिला रंग दे आने वाला है, फिर शॉर्ट फिल्म मिली और उसका टीज़र आ गया है, फिर मुझे कलर्स का श्रीमद् भागवत पे कलर चैनल पे आने वाला है, उसमें अधर्म कैरेक्टर मेरे को करने को मिला, विलन कैरेक्टर है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है वो, आई थिंक 1 महीने में स्टार्ट होगा. फिर मुझे जॉन अब्राहिम की एक मूवी मिली जिसमें मेरा नाम रॉकी है, मूवी का नाम है 17 को शादी, वो रिलीज़ होगी, शूट हो गया है. और काफ़ी लोकल ऐड किए मैंने, जिम का किया, करली कुरे ऐसा तक कुरकुरे जैसा वो किया, काफ़ी रैम शोज़ किए, काफ़ी शोज़ में मैं जजमेंट के लिए भी गया, चीफ गेस्ट बन के भी गया. तो बड़ा अच्छा लगता है कि हम, मैं पहले लोगों को ऐसा देखता था और मुझे लगता था कि मैं, कोई मुझे मिल जाए तो मैं उससे बात करूँ, फ़ोटो खिंचाऊँ. अब लोग ऐसा मेरे बारे में सोचते हैं कि मेरे से वो फ़ोटो खिंचाएँ, ऑटोग्राफ लें, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मैं करता भी, क्योंकि मैं उस दौर से गुजरा हूँ कि कितना अच्छा लगता है किसी के साथ आप फ़ोटो खिंचाना चाहते हैं और वो फ़ोटो खिंचा ले, या आप किसी से मिलना चाहते हैं वो आपसे बात कर ले, या आप उसको देख लें. तो मैं उस फीलिंग को समझता हूँ, इसलिए मैं सोशल मीडिया को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मानता हूँ लोगों को कनेक्ट करने के लिए. तो मैं अपना दिन में 1-2 घंटे सोशल मीडिया में अपने फैंस, अपने जो चाहने वाले उनके लिए निकालता हूँ.
ढेरों हजारों मैसेज मेरे ऐप भी पे और किसी को नंबर मिल जाता है तो व्हाट्सएप पे और अलग अलग सोशल साइट्स पे रहते हैं, तो मैं बकायदा उनको जब मुझे टाइम मिलता है निकालता हूँ 1-2 घंटे और रिप्लाई करता हूँ, तो मैं देखता हूँ वो इतने खुश हो जाते हैं, उनको लगता है कि मतलब उनकी ज़िंदगी का वो दिन आज का दिन बड़ा अच्छा है कि मैंने रिप्लाई कर दिया वो कर दिया। तो मैं कदर करता हूँ उन सब की जो मुझे या किसी को भी आप चाहते हैं या प्यार करते हैं या उनको पर्दे पे देखना चाहते हैं या अपना इंस्पिरेशन मानते हैं। मैं बहुत मतलब कदर करता हूँ लोगों की जो मुझे चाहते हैं। तो ये जानना चाहूँगा कि मॉडलिंग इंडस्ट्री से ताल्लुकात रखते हैं, जैसे फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो फिल्म इंडस्ट्री में भी जो वुमेन एक्सप्लॉयटेशन के बारे में काफ़ी बोला जाता है कि आती हैं प्रोजेक्ट्स के लिए, काफ़ी ज़्यादा उनको मतलब स्ट्रगल करना पड़ता है, काफ़ी सारे अनप्रोफेशनल लोग से उनकी मुलाकात होती है। मॉडलिंग इंडस्ट्री में कहा जाता है कि काफ़ी ज़्यादा मैन एक्सप्लॉयटेशन होता है, लेकिन उसको कभी हाईलाइट नहीं करती, ना मीडिया हाईलाइट करती है, ना कोई मॉडल मेल मॉडल आके ऐसा बोलता है कमेंट करता है इस बारे में। आप क्या कहेंगे, आपका कैसा अनुभव रहा इस बारे में? देखिए आई थिंक मुझे लगता है कि ये डिपेंड करता है मतलब एक्ट्रेस हो या एक्टर उसके ऊपर कि वो अपने ऊपर या अपने टैलेंट के ऊपर कितना भरोसा करता है। क्योंकि देखिए शॉर्टकट आपको बहुत जल्दी पहुंचा देगा लेकिन बहुत जल्दी वापस भी ले आएगा। उसका बहुत अच्छा एग्जांपल आपको देता हूं मैं कि लिफ्ट जितनी जल्दी ऊपर जाती है उतनी जल्दी नीचे भी आती है, और सीढ़ियाँ में जितनी जल्दी जितना टाइम लगता है ऊपर जाने में उतना ही उतर के नीचे आने में लगता है। तो क्या है कि देखिए आज मैं किसी पे भरोसा कर लेता हूँ कि हाँ आप कोई लड़की आई और उसने बोला कि डायरेक्टर से मिला, डायरेक्टर ने बोला कि मैं तुम्हें हीरोइन बना दूँगा, ये कर दूँगा और तुमको मेरे साथ ये करना पड़ेगा, वो कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो खुद उनको देखना चाहिए कि वो किस स्टेज पर, उनको लगता है वो हीरोइन बनने लायक हैं, उनको लगता है कि अगर उन्हें कोई फिल्म में चांस देगा तो वो बहुत सुपरस्टार बन जाएंगे, उतना टैलेंट है। तो अगर नहीं है तो उनको ये सोचना चाहिए कि अगर कोई लॉन्च भी कर देगा तो आप चल नहीं पाएंगे। वो करोड़ों रुपए लगते हैं और बहुत लोगों की टीम रहती है, बहुत मेहनत लगती है एक फिल्म बनाने में, तो वो ऐसे नहीं चल जाती कि आप कुछ करके आए, पैसे दे दिए आपने या आपने कुछ कंप्रोमाइज़ कर लिया तो आप स्टार बन जाएंगे। क्योंकि कोई भी ऑडियंस इसलिए फिल्म नहीं देखती कि अरे यार अच्छा इसकी फिल्म देखने क्योंकि ये बेचारी ने कंप्रोमाइज़ किया है तो इसके तो देखना बनता है, या अरे इस बेचारे ने पैसे लगाए तो इसको इस हीरो को तो हम देखना चाहिए, इसलिए नहीं देखते लोग। लोग ये देखते हैं कि आप सही कास्टिंग आपकी की गई है, आप टैलेंट है आपके अंदर, या जो रोल आप कर रहे हैं वो सही से आप परफॉर्म कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब खुद अपने आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने आप को देखिए कि आप किस लायक हैं, आपको हीरो बनना चाहिए, कैरेक्टर रोल करना चाहिए या आपको विलेन करना चाहिए, आप क्या लगते हैं आप, तो आपको खुद अपने बारे में सोचना चाहिए। ये भी जानना चाहूँगा कि जो ये फील्ड है मॉडलिंग की बात कर रहे हैं, एक्टिंग बहुत इनसिक्योर है, आप जानते हैं कि कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता है, तो डिप्रेशन फैक्टर बहुत होता है, सुसाइड तक लोग कमिट करते हैं जो स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट होते हैं, उसके बारे में ये कहता है नेगेटिव आस्पेक्ट है, और आप भी कुछ इस दिशा में करें, क्या करना चाहेंगे कि आप क्या करें इस दिशा में, और कितना ज़्यादा आप इंस्पिरेशन होंगे आगे चल के इस सब्जेक्ट को लेकर? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। मैं सभी को ये कहना चाहता हूँ कि देखिए डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ मतलब मेरी डिक्शनरी में तो नहीं है, क्योंकि किस चीज़ का डिप्रेशन? आज अगर कि हमें पता नहीं है कि हम हीरो बन सकते हैं, आगे का फ्यूचर पता नहीं है, तो क्या हम हीरो बनने के लिए पैदा हुए? राइट। क्या हम डॉक्टर बनने के लिए पैदा हुए? क्या हम पुलिस बनने के लिए या गुंडे बनने के लिए नेता बनने के लिए पैदा हुए? नहीं। हम जिस फील्ड में मेहनत करेंगे और ईमानदारी से मेहनत करेंगे उस फील्ड में हमें कुछ ना कुछ तो बनना ही है, और कुछ ना कुछ बोले तो जितनी आप मेहनत करोगे उतना आपको 100% मिलना है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज़ जादू से नहीं चल रही। अगर आज एक छोटा बच्चा, मैं 4-5 बच्चों को खड़ा कर दूँ और कोई भी ये नहीं बता सकता कि ये पायलट बनेगा, ये एक्टर बनेगा, ये वो बनेगा, आप उनको वैसी ट्रेनिंग दो 100% मैं बता सकता हूँ कि आप ट्रेनिंग देंगे तो वो वही बनेगा। Right. क्योंकि वो सीख जाएगा। अब मैं स्मार्ट लगता हूँ या मैं अच्छा दिखता हूँ तो मैं उठ के किसी ने बोला और मैं आके बोले मैं तो हीरो हूँ, मैं हीरो ही बनूँगा, तो ये वो लोग डिसाइड नहीं करेंगे, ये आप, आपका टैलेंट, आपका हार्डवर्क, आपका पेशेंस, आपकी नॉलेज, आपका टैलेंट डिसाइड करेगा
और वो लोग जो एक्सपर्ट हैं इसके, अभी कोई डायरेक्टर, कोई राइटर, कोई जिस वो बोले कि नहीं यार आप हीरो मटेरियल हो, आप हीरोइन बन सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, तो समझ में आता है कि हम, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता कि हम बीमार हैं तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए ना कि इंजीनियर के पास, तब वो बता पाएगा कि हाँ हम, अगर हमारी तबीयत ख़राब है डॉक्टर बताएगा हाँ आपको फीवर है, आपको ये दवा खानी चाहिए। तो अगर हमें किसी फील्ड में जाना है तो हमें एक्सपर्ट्स की एडवाइस लेना चाहिए, उनसे ट्रेनिंग लेना चाहिए, सीखना चाहिए। तो आप इस चीज़ को लेकर ना सजग हैं। दीपिका पादुकोण ने एक एनजीओ खोला है जिसमें कि डिप्रेस पेशेंट के लिए उनको काउंसलिंग की जाती है, बहुत सारा काम किया जाता है। आपका भी एक ऐसा नज़रिया है इस चीज़ को लेकर कि आप भी कुछ एक फाउंडेशन खोलें या कुछ ऐसा सोशल चीज़ करें अपनी तरफ से? बिल्कुल ज़रूर है। और मैं तो मतलब अभी छोटे से लेवल पर, मैं अपने लेवल पर तो करता ही हूँ, मैं काउंसलिंग भी करता हूँ, मैं लोगों को डिप्रेशन से भी बाहर निकालता हूँ, और आई थिंक मुझे लगता है 5-6 लोगों को अभी तक मैं सुसाइड करने से बचा चुका हूँ। उसमें लड़कियाँ भी हैं, लेडीज़ भी हैं, लड़के भी हैं, जो लोग अपनी लाइफ से, अपनी ज़िंदगी से या करियर से या घर वालों से या बॉयफ्रेंड से या गर्लफ्रेंड से किसी या किसी वजह से डिप्रेस हो के और वो सुसाइड करने का सोच रहे थे, कमिट भी मन कई बार उन्होंने कोशिश भी की, या वो सोच रहे थे कि उनकी ज़िंदगी यहाँ ख़त्म हो गई, तब मैंने उन्हें समझाया और सिखाया कि दुनिया और ज़िंदगी इतनी खूबसूरत है और आगे कितनी खूबसूरत होगी ये आप तब जानोगे जब जियोगे। अब कल की सुबह कितनी अच्छी होगी, कल कितना अच्छा क्या होगा, ये हमें कल सुबह उठने के बाद पता चलेगा, तो हमें कल के लिए जीना पड़ेगा। तो फिर मैंने उनको डायरेक्शन चेंज किया, उनका नज़रिया चेंज किया, उनको सिखाया कि आप पहले तो जियो और किसी के लिए नहीं तो कम से कम अपने लिए तो जियो, क्योंकि और दूसरा सुसाइड करने का तो मुझे मतलब बहुत गुस्सा आती है, जो लोग डिप्रेशन की बातें करते हैं, जो लोग कहते हैं सुसाइड, क्योंकि और जो लोग प्यार करते हैं बोलते हैं मैं तुमको इतना प्यार करता हूँ, किसी लड़की को या लड़की को, लड़का लड़की को बोलता है, लड़की लड़के को बोलती है, लेकिन अगर आप बोलते हैं कि मैं बहुत प्यार करता हूं किसी को और फिर बोलते हैं कि मैं आपके लिए जान दे दूंगा, तो पहले तो ये जान आपकी है नहीं, ये आपके माँ बाप की दी हुई है। सबसे पहले जिसने आपको जन्म दिया है, अगर आप उससे प्यार नहीं कर सकते तो कैसे दावा कर सकते हैं आपके किसी लड़की को या लड़के को, किसी दोस्त को या वाइफ को, हस्बैंड को प्यार कर सकते हैं? क्योंकि उसके लिए तो आप जी नहीं पा रहे हैं जिसने आपको जन्म दिया है। जिसने जन्म नहीं दिया है, अभी 2 महीने पहले मिले हैं या 4 महीने 2 साल पहले में, उसके लिए आप जान दे रहे हैं, तो ये तो सबसे बड़ा झूठ मुझे लगता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जान आपकी है नहीं तो आप दे नहीं सकते। दूसरा आप प्यार करिए, आप अच्छे से रहिए और खुशी जीवन जिए और अपने माँ बाप की सोचिए, उनको प्यार करिए, उनके लिए जिए, अपने लिए जिए, लेकिन सुसाइड और डिप्रेशन का कभी सोचना नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और मैं इसी दिशा में कि अगर मुझे लगता है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च या कहीं भी जाके लोग पूजा करते हैं, बहुत अच्छी बात है, कीजिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तो भगवान को देखा नहीं, अपने माँ बाप को देखा, वो मेरे लिए भगवान है, और जितने जीते जाते इंसान हैं, किसी भी धर्म के हैं, लड़के हैं, लड़की हैं, अगर मैं उनको खुश नहीं कर सकता, उनको खुशी नहीं दे सकता, उनको परेशानी से नहीं बचा सकता या उनकी हेल्प नहीं कर सकता, तो मैं कितनी भी पूजा कर लूँ किस काम की? क्योंकि ईश्वर, अल्लाह, गॉड सभी का एक ही है कि सब एक है और उनकी बनाई हुई चीज़ है। तो जब उनने चीज़ बनाई है तो अगर हम उसकी केयर करेंगे, उसको खुशी देंगे, तो वो भी खुश होंगे, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अगर मेरा कोई बच्चा हो और वो कोई उसको आके चॉकलेट दे, उसको खुशी दे, उसको कुछ दे, तो मुझे अच्छा लगेगा। तो ऐसे लगता है मुझे कि ऊपर वाले ने जब सबको बनाया है तो मैं उसके बनाए हुए बंदों की हेल्प करूँगा, मदद करूँगा, कुछ उनके काम आऊँगा, तो ऊपर वाला खुश होगा, ना कि मैं चढ़ावा चढ़ाऊंगा उनको, या मैं आपका 20 रुपये छीन लाया और 10 रुपये मैंने भगवान को दे दिए, 10 मैंने रख लिए कि ये आपको रिश्वत है आपकी और मेरा ये प्रॉफिट है। मेरी ये थिंकिंग। सर, ये मैं चाहूँगा कि आप एक जिम भी रन करते हैं होम टाउन में, आजकल जिम का बहुत ट्रेंड है, जब सलमान और संजय दत्त वगैरह ने बॉडी बनाना है, आप क्या समझते हैं कितना ये लॉजिकल चीज़ है? क्योंकि देखिए काफ़ी सारे स्टैब्लिश ऐसे बड़े बड़े सुपर स्टार हैं, शाहरुख जैसा, इन्होंने अपना बॉडी बनाई, इतना बड़ा मुकाम हासिल किया, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में?
नहीं देखिए, मतलब ऐसा नहीं है कि बगैर बॉडी बनाए आप काम नहीं कर सकते या इंडस्ट्री में आप हीरो नहीं बन सकते या आपको काम नहीं मिलेगा. लेकिन मुझे ये लगता है कि जैसे मेरा रूटीन मैं बना के रखा हूँ कि नहाना खाना सोना ये सभी लोग करते हैं, उसमें अगर हम फिटनेस को जोड़ दें, एक्सरसाइज को जोड़ दें, तो नहाना खाना सोना और एक्सरसाइज करना, तो आप कभी अनफिट होंगे नहीं. प्लस हमें जैसे हम मोबाइल की केयर करते हैं कि हम उसमें कवर लगाते हैं, उसका स्क्रीन गार्ड लगाते हैं, हम गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं, कवर रखें, तो ऐसे हमारी बॉडी की भी हमें केयर करना चाहिए कि हमें क्या खाना है, हमारी बॉडी को कितना विटामिन मिनरल प्रोटीन चाहिए उतना हमें देना है. क्योंकि एक्स्ट्रा हम चीज़ें खराब डालेंगे तो हमारी चीज़ें खराब होंगी. जब हम देखते हैं पेट्रोल एक्स्ट्रा माइल या ये या वो महंगा वाला डलाएंगे, महंगा वाला शर्ट पहनेंगे, महंगा वाला गॉगल लगाएंगे, तो हम ऐसे ही महंगी मतलब क्वालिटी वाली फूड हमारी बॉडी को दें. और बॉडी बनाएं बहुत अच्छी बात है, नहीं भी है तो कम से कम फिट रहें. अपनी हाइट और पहले पता करें कि आपकी हाइट पे आपको कितना वेट होना चाहिए, आपकी बॉडी में कितना फैट परसेंट हो जाना चाहिए, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेशन करके और रोज़ उसको बर्डन ना लें कि हमें पतला होना है, हमें बॉडी बनानी है, इंजेक्शन दवा ले रहे हैं लोग, साइड इफ़ेक्ट हैं, कई लोगों की किडनी ख़राब हो रही है, तो इतना जल्दी सब बॉडी बनाना चाहते हैं. तो मुझे लगता है कि वो सब ना करें, स्लोली स्लोली आराम से, क्योंकि ये बॉडी है, कोई एक दिन में बॉडी दो दिन में नहीं बन जाएगी. जो हम सलमान खान जी को देखते हैं, शाहरुख जी को देखते हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि आज मोटे थे कल जाके बॉडी बना ली उन्होंने. वो कोई उनकी मेहनत नहीं देखता है. वो 2 बजे रात को जिम कर रहे हैं, 3 बजे कर रहे हैं, वो मीठा पसंद है लेकिन नहीं खा रहे हैं, उनको कैलोरी मतलब कुछ टेस्टी फूड है उनका लेकिन वो नहीं खा रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि उनको मेंटेन रहना है. तो उसके पीछे उनकी मेहनत डेडिकेशन वो नहीं देखते लोग, बस सलमान खान की बॉडी अच्छी है तो मैं 3 महीने में सलमान खान बन जाऊंगा. लास्टली पूछ रहा हूँ, क्या फ्यूचर प्लानिंग है प्रोजेक्ट्स को लेकर, कोई प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं या किसी से बात चल रही है इस प्रोजेक्ट के बारे में? हाँ जी, अभी एक और गाने का लगभग फाइनल है, तो वो शूट होगा आई थिंक गोवा में बहुत ही जल्दी. और एक शॉर्ट फिल्म की भी बात चल रही है, और भी काफ़ी प्रोजेक्ट हैं जो बात चल रही है. अब यहाँ मुंबई में तो पता नहीं चलता कब क्या हो जाए, तो मेरा तो बस यही मानना है कि हमारा काम है एग्ज़ाम देना, रिजल्ट ऊपर वाला और नीचे वाले जो एक्सपर्ट लोग हैं वो डिसाइड करेंगे, तो मैं अपना एग्ज़ाम देता रहता हूँ.